हाय एवरीवन, सो सरोजनी नगर का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें आती हैं ना, और ऐसा लगता है ना कि सरोजनी नगर में सब कुछ मिल जाता है बहुत ही सस्ता। सो मैं ना आप लोगों के साथ आज एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या सचमुच में ऐसा होता है, सच में इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं सरोजनी नगर में कि नहीं। सो कुछ टाइम पहले ही ना मैं सरोजनी नगर गई थी और वहाँ पर ना ये एक स्टॉल था जहाँ पर बहुत सुंदर झुमके थे, इयररिंग्स थे और भी बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल्स के थे ये सभी, और ये ना 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे जब मैंने उनसे प्राइस पूछा। बट जैसे ही उन्होंने मुझे देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो एकदम से मुझसे लड़ने लग गए कि वीडियो डिलीट करो, बंद करो, ये वो। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ अंकल, तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग कह देते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वीडियो में बताते हैं 10 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं, और कस्टमर्स आके हम लोगों से लड़ते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा एक्चुअली करता है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सारे लोग ना फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड विद टाइम ना ये लोग फिर अनवेलकमिंग हो जाएंगे हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए। बट मुझे लगता है कि इससे ना मार्केट का रेट भी घटता है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सरोजनी नगर में कुछ भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा सस्ता नहीं मिलता है। नॉर्मल मार्केट्स में भी उस प्राइस में आपको चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, सरोजनी में अब कुछ वैसी चीज़ नहीं रही है क्योंकि यूट्यूबर्स ने इतना ज़्यादा उसको कवर कर लिया है। बल्कि काफ़ी सारी बार क्या होता है कि जो चीज़ें आप लोग YouTube पे देखते हो ना वो आप कभी भी रियल लाइफ में स्टाइल ही नहीं कर पाओगे, ना उनको पहनने में कंफर्टेबल रहोगे, और बस ऐसे ही पैसे खर्च करने के लिए सरोजनी तो चले जाओगे बट वहाँ से कुछ लेकर नहीं आओगे खास। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। सो इसलिए सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।